मंडी जिला की सीमा बजौरा कटौला सड़क रोड पर राहला के पास सवारियों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। टेम्पो ट्रैवलर में सवार करीब 24 लोग घायल हुए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से तेगु बहेड़ अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। सभी घायल नेपाल निवासी हैं, जो नेपाल से कुल्लू मनाली में सेब सीजन के लिए मजदूरी के लिए आ रहे थे कि रास्ते में टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में दो गंभीर घायलों को टेकओवर अस्पताल से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद कुल्लू पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे में घायल और इलाज करने वाले डॉक्टर का क्या कुछ कहना है? मेरा जक्कू प्रसाद ओली। हाँ जी, जक्कू प्रसाद ओली। हम रुपड़िया बॉर्डर से आए थे। एक दिन हम चंडीगढ़ रुक गए, उसके बाद शाम को सात बजे हम चंडीगढ़ से चढ़ा कुल्लू मनाने के लिए। और यहाँ बीच में हमारा ब्रेक फेल बोल रहा था बस का, पता नहीं अचानक वो पलटी मारा। उसमें हम 24 लोग थे, 24 लोग में 4-5 लोग ज़्यादा घायल है और बाकी साधारण घायल भी है 8-10 लोग। उसमें 2-3 लोग घायल कम ही है ही नहीं शायद। कुल्लू मंडी के सामने बीच में 9 बजे हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसमें ब्रेक फेल बोल रहा था, पता नहीं क्या होया, ब्रेक फेल होया कि नहीं वो बोल रहा था। फिर जब पलटी हुआ था लोग 10-8 लोग घायल भी हो गए, उसमें और साधारण घायल भी है। 24 लोग हम आ रहे थे कुल्लू के लिए काम के लिए, यही है जी। हमारा यहाँ से एम्बुलेंस गया हॉस्पिटल से, तभी एम्बुलेंस में हम 2 एम्बुलेंस में आए हम लोग। उन्होंने किसी ने भी हमारे को लिया नहीं, यहाँ सबको हुआ इलाज हुआ। बस थी, ये प्राइवेट थी, मैं आ रहा था चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए। अरे राला में ही ऐसा हुआ, 8-9 बजे तक यही टाइम था, इसमें हुआ एक्सीडेंट। 24 लोग था, पता है वो ब्रेक फेल हुआ बोलने को लगा था ड्राइवर, फिर हुआ, मैं भी आगे बैठा था, तब वो ब्रेक लगाते वो पलटी खाया गाड़ी। तो अभी पिकअप वाला ले थोड़ा नीचे तक लाया, वहाँ से नीचे को अब यहाँ से वो जाके लाया एम्बुलेंस, जाके लाया दो एम्बुलेंस जाके लाया। नेपाल सबसे ज़्यादा हम था दैलेक जिला का था। जगह बीच में रास्ता में मिला था सब लोग, लेकिन हम दो ही था दैलेक दुल्लू से आने वाला, और कोई यार किधर बोलने को लगा था वो पता नहीं है उतना, लेकिन हम दो आ रहा था दैलेक दुल्लू से। अभी तो ज़्यादा ही भी है, अभी तो 2-4 बंदे तो चला गया कुल्लू को रिफर हो गया, अभी थोड़ा बहुत वाला जो है वो इधर ही है। अरे हम था 24 लोग ना, 24 लोग में 3-4 बंदे को ज्यादा हो गया, वो है कुल्लू हॉस्पिटल में रिफर हो गया, और हम लोग सब इधर भुंतर में ही है, भुंतर सरकारी हॉस्पिटल में। ये सुबह 9:30 बजे की बात है, हमारे पास ये कुल 24 लोग उपचार के लिए तेगुबेड़ अस्पताल लाए गए। ये जो हैं ये सब मजदूर लोग हैं जो अभी सेब के सीज़न के लिए यहाँ पे काम के लिए आए हुए थे, और ये अभी अपने स्थान जो ये पतलीकुल बता रहे हैं वहाँ के लिए ये एक सुमो में अपना फोर्स की गाड़ी में जा रहे थे, जो किसी कारणवश ऑट के समीप कहीं दुर्घटना का शिकार हो गई। तो जो इनमें से 3 थोड़े अभी सीरियस हैं, जिन्हें हमने कुल्लू के लिए रेफ़र कर दिया है प्राथमिक उपचार दे के। बाकी सब इनमें से 24 में से बाकी जो आपके 23-22 हैं वो बिल्कुल ठीक है। पंजाब केसरी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।